नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आपको बताऊंगा आपका आज के दिन का पूरा हाल, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आज दिनांक 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की जो ग्रह स्थिति है वो हमको क्या बता रही है। मित्रों, आज गुरु मेष राशि में है, चंद्र व केतु कन्या राशि में है, मंगल तथा शुक्र मकर राशि में है, बुध सूर्य व शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, करण भव है, योग गंड है, सूर्य गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल रहेगा दोपहर के 12:39 से 2:07 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना हमारे लिए वर्जित है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 1:03 से 1:27 तक। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे हमको चिरकाल तक लाभ लेना हो। दिशाशूल उत्तर की तरफ रहेगा, इसलिए उत्तर की तरफ यात्रा करने से हम लोगों को बचना चाहिए। मजबूरी है, उत्तर की तरफ यात्रा करनी ही है, तो धनिया खाकर लंबी दूरी की यात्रा की जा सकती है। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से आपकी फैमिली लाइफ पीसफुल और हारमोनियस बनी रहेगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में आपसे अपेक्षित है कि आप मर्यादित व्यवहार बनाए रखेंगे और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। आप कोई भी कठिन कार्य करने के लिए आज आपको तरकीब पता चल जाएगी। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपके एनिमीज और अपोनेंट्स एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपका कोई नुकसान आज वो नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम अगर प्लान बनाकर करेंगे तो हो सकता है आपको उसमें सफलता नहीं मिले। आप समय के फ्लो के साथ चलें, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। छोटा मोटा सर्दी खांसी का रोग आपको लग सकता है, इससे ध्यान दें। आर्थिक योजनाएं जो आपने चलाई हैं उनके लाभ मिलेंगे आपको। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सुधर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में और सुधरेंगे और मधुर बनेंगे। आज का दिन आपके लिए 75% अनुकूल है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है। वृषभ राशि, बिना बात की चिंताएं मन में आ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ ऐसी खबरें भी मिल सकती हैं जो आपको अच्छी ना लगें। बिना बात की चिंताओं में दिमाग आपका खराब हो सकता है, पेट के रोग हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखें। आज आर्थिक लाभ तो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेकार का घूमना फिरना हो सकता है। बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। आपको कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना है अपनी लाइफ से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो किसी जानकार की सलाह लें, उसके बाद इस तरह का कोई डिसीजन लें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग गुलाबी रहेगा। मिथुन राशि, कामकाज में रुकावटें आएंगी, इनको आपको एक एक करके दूर करते लेना चाहिए। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। दूसरों की मुसीबत को गले लगाने से बचें, अन्यथा आपका पूरा दिन आज दूसरों की समस्याएं सुलझाने में ही चला जाएगा। आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आपको उनसे सावधान रहना है, आज उनसे दूरी बना करके रखनी है। सेहत परेशान कर सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना है। किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा ना लगाएं जहां से आपको रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ में डाउट होता हो। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां रहेंगी, मन घबराएगा। यात्रा अगर कोई करते हैं तो उसमें नुकसान होने की संभावना बन रही है। कामकाज में थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है, उससे आपको मानसिक झल्लाहट हो सकती है। इस झल्लाहट को आप अपने परिजनों पर या अपने सहकर्मियों पर उतारने से बचें। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। कर्क राशि, मित्रों का, रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा, कुछ आपको राहत मिल जाएगी। वर्कप्लेस पर आपने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ होगी। आपको एक शांत प्रिय व्यक्ति के रूप में आज पहचान मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, सुख सुविधाओं के साधनों में आपकी वृद्धि हो सकती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो आपने चला रखी थी, उनमें अभी लाभ की आशाएं आपको जगेंगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो लाभकारी रहेंगी। आपके जो प्रियजन हैं उनके साथ आपकी जो निकटता है वो बढ़ेगी।
और आज का दिन आपके लिए 70% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। सिंह राशि, सोशल लाइफ आज आपकी बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं रहेगी, डल रह सकती है। आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आपको अपमान का भय हो या निरादर की संभावना हो। बिना बात के एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, उससे आपका मन थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है। विचारों में उतावलापन रहेगा, उससे बचने की ज़रूरत है। आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन रही है, आँखों में कुछ परेशानी हो सकती है। पैसे का इनफ्लो भी जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। यात्रा अगर कोई प्लान कर रखी है तो उसको टाल दें, क्योंकि यात्रा के फलदायी होने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग नारंगी है। कन्या राशि, मानसिक शांति का एहसास होगा। भाग्य आपका आज साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें जैसा आपने सोचा है वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। आपके जो प्रियजन हैं उनका लव और अफेक्शन आपको मिलेगा। सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। दूर के किसी स्थान से शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। आप में से जो जातक एलिजिबल हैं, बैचलर हैं और जिनकी गृह दशा सपोर्ट करती है, उनके लिए कुछ अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने परिवार के लोगों के साथ आप कहीं डिनर पे या आउटिंग पे जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक सुखकारक समय है, इस समय को सदुपयोग करें। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। तुला राशि, जीवन साथी के साथ बिना बात के उलझने से बचें, वाद विवाद से बचें, अन्यथा पूरा दिन आपका वाद विवाद में ही चला जा सकता है। ऑकल्ट में आज आपको थोड़ा सा मन लगेगा। किसी स्थान की यात्रा में खर्चा हो सकता है। माता पिता को आप तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे उसमें भी खर्चा हो सकता है, या आप किसी मौज मस्ती में सिनेमा इत्यादि देखने में भी अपना खर्चा आज कर सकते हैं। पिता का जो परिवार है उसमें कुछ समस्या आ सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। आप अगर पुरुष हैं तो पत्नी की सेहत खराब हो सकती है, या स्त्री हैं तो पति की सेहत को लेकर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे तो आपको इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके आज रखना चाहिए। कोई पुराना रोग उभर सकता है, उस पर ध्यान दें। वर्क प्लेस पर आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ आपकी आज उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होगी, कुछ दिक्कत आ सकती है। विदेश से कोई काम आपका बहुत दिन से रुका हुआ था, आज आप अपनी ऊर्जा उसमें लगाएंगे तो उसको आज सफल कर सकते हैं आप। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग मैजेंटा है। वृश्चिक राशि, विचारों में आपकी स्थिरता रहेगी। आप अपनी परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। आपकी बात से लोग सहमत होंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी अपोजिट जेंडर के व्यक्ति के द्वारा धोखा दिया जा सकता है। इमोशनल करके आपसे कोई गलत काम कराया जा सकता है। घर के किसी व्यक्ति द्वारा आपका अपमान करवाया जा सकता है, या कोई ऐसी बात की जा सकती है जिससे आपको आज मानसिक अशांति मिले। आप भी सोचें कि जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, उससे कितनी शांति मिलेगी। ये हो सकता है आज आपका कोई अच्छा दोस्त आपको अपने घर पर बुलाए, आपको डिनर या लंच कराए। मनोरंजन में मन लग सकता है आपका। जल्दी से धन कमाने की, पैसा कमाने की आज इच्छा हो सकती है। और शत्रुओं को परास्त करने के, उनको हराने की हिम्मत आज आपके अंदर जरूर रहेगी। स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, कोई रोग था तो उससे आराम मिल जाएगा। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9 और शुभ रंग आपके लिए रहेगा आज गेरुआ। धनुराशि, कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, अभी सोचे नहीं, शुरू कर दें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्य पर आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। मकान के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं, और काम करने के बाद उस काम के बारे में कितना लाभ होगा उसके बारे में आप थोड़ी सी सोच विचार आज कर सकते हैं। पिता की प्रॉपर्टी को लेकर आज कुछ डिस्कशन हो सकता है। बड़े भाई का या किसी बड़े भाई समान मित्र का आज कुछ नुकसान हो सकता है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड कोई यात्रा है वो सफल रहेगी।
आज आप पूरे दिन चीयरफुल और एनर्जेटिक फील करेंगे। परिवार का, दोस्तों का सहयोग आपको यथावत मिलता रहेगा। सरकार से या उच्च अधिकारियों से कोई काम कराने के बारे में सोचा हुआ है तो आज का दिन श्रेष्ठ है। आज आप प्रयास करें, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है। मकर राशि, आज आलस से मन भरा रहेगा, बॉडी में थोड़ी वीकनेस फील होगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। जरूरत से ज़्यादा सोच विचार में आज का दिन आपका खराब हो सकता है। कुछ पुराने लोगों की बातें याद आएंगी जो शायद अच्छी ना हो। किसी विदेशी मेहमान से या विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से आज वीडियो कॉल हो सकती है या फ़ोन कॉल हो सकती है। आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने छुट्टियों में, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। कोई ऐसा काम आज आपको सौंपा जा सकता है जिसमें आपको दिल के बजाय दिमाग से सोचने की ज़रूरत पड़े, या आप अपनी हायर एजुकेशन के बारे में कोई प्लानिंग आज कर सकते हैं। आप में से कुछ जातक जो एलिजिबल हैं, बैचलर हैं और जिनकी गृह दशा सपोर्ट कर रही है, उनके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी आज आप कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको समय रहते दूर कर लेने चाहिए। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको मंदिर में पीले फलों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा काला। कुंभ राशि, तनाव आज आपके मन मस्तिष्क पर हावी रह सकता है। आपको ये डर लगा रहेगा कि कहीं कोई गलत काम ना हो जाए या आपसे आपके द्वारा किसी व्यक्ति का कुछ बुरा ना हो जाए। आप सही काम करने के लिए रिस्क जरूर ले लीजिए, लेकिन गलत काम करने के लिए रिस्क लेंगे तो आज आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। ये हो सकता है कोई आपकी पीठ पीछे चुगली करे, परेशान करे आपको। आप उसे दोस्त समझते हैं लेकिन वो दोस्त की खाल में दुश्मन हो। आपको इस तरीके के लोगों से सतर्क रहना है। बिना वजह की चिंता, तनाव, डर, इसमें मन आज आपका भयभीत रह सकता है। आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके के माहौल से दूर रहना है, घूमना फिरना है, प्रकृति का आनंद लेना है, स्वाध्याय करना है। अपने स्वयं के लिए आज समय निकालिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, चोट चपेट लग सकती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। वर्क प्लेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जो आपको समय रहते दूर कर लेने चाहिए। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभ अंक 8 है आपके लिए और शुभ रंग आपके लिए है काला। मीन राशि, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज आपको प्राप्त होंगे। कामकाज की थोड़ी सी चिंता रह सकती है। आप अगर पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ और स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ थोड़ा सा झुकाव आपका हो सकता है। आप दूसरों को सम्मान देंगे और सम्मान पाएंगे, सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन साझेदारी के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको आज अपने मन पर, अपने जो प्लानिंग है उस पर भरोसा रखना है। किसी से ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी है। आप दूसरों से पूछ के काम करेंगे तो वो आपको गलत ही राय देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से काम करें, सारे काम सफल होंगे। सोशल लाइफ आपकी पीसफुल और हार्मोनियस बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। यात्रा भी अगर कोई करनी है जरूर कर लें, यात्रा आपके लिए सुखद वाला प्रद रहेगी। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग बसंती है। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा।